सलमान, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके जो करीबी दोस्त हैं संजय दत्त, वो कुछ ही महीनों के बाद अब वो जेल से बाहर आने वाले हैं, तो क्या आप एक्साइटेड हैं और क्या आपकी तरफ से पार्टी होने वाली है? यार इसका जवाब आप ही दे दो। एक ऐसा आदमी आता है पार्टी खराब करने के लिए, फिर हमारे टीम यहाँ से चलो चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। लास्ट क्वेश्चन, वैसे मैंने सुना नहीं आपका सवाल क्या था जी। नहीं, जिनसे लेना चाहिए था उनसे नहीं लेते हैं माइक हमारे लोग। माइक है ना आपके पास? हाँ बिल्कुल। मेरा सवाल था कि आपके दोस्त बहुत ही जल्द जेल से आने वाले हैं, तो क्या आप एक्साइटेड हैं और आपकी तरफ से पार्टी होने वाली है? संजू की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, संजू बाबा अभी बाहर निकलने वाले हैं, कुछ आई थिंक दिसंबर में शायद वो आ जाएंगे फॉर गुड। क्या खबर रखते हैं भाई, अभी उनमें थोड़ा सा टाइम है, इतने इंपेशेंट मत होइए आप। वो अगर आएंगे तो परोल या फरलो पे ही आ सकते हैं, उनका थोड़ा सा आई थिंक आगे तक का है। बट व्हेन ही कम्स आउट ही इज गोइंग टू बी क्लीन, ही इज गोइंग टू बी क्लियर एंड ही इज गोइंग टू बी अ फ्री मैन। दैट्स व्हाट वी वांट हिम टू बी। कबीर जी, तो सलमान, एंड ऑब्वियसली वंस ही इज आउट ही इज अ फ्री मैन, ऑब्वियसली आई विल पार्टी विद हिम। सलमान, दिस सलमान भाई, आपकी और करीना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को हमेशा पसंद किया जाता है, तो कौन सी केमिस्ट्री सर? इस बार नई ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किस सर आपने रिक्रिएट किया? सर देयर इज नो केमिस्ट्री ओनली सर, दैट्स व्हाई कॉलिंग अ बेंजी इन द फिल्म। ओके, हाय कबीर, सलमान। अरे सर पूछो ना, क्या पूछ रहे थे? पूछिए सर, क्या पूछ रहे थे? इस बार आपने नई ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किस तरह से रिक्रिएट किया? सर जब मैं परफॉर्म करता था ना, तो मैं भूल जाता था कि उनके नाम के आगे खान लगा है, उनके नाम के आगे खान है। जैसे शॉट खत्म होता था तो वो खान वापस लगा देता था मैं। सलमान, करीना जब आपको रोमांस कर रही थी, करीना को किसकी याद आ रही थी? Now you can't insult me like this, man. Now you can't do this. हमारे गाने के फंक्शन, मेरी पार्टी, आज की पार्टी मेरी तरफ से, और आप मुझसे ऐसे सवाल पूछेंगे, ये क्या हुआ आपको? किसकी याद आ रही थी मतलब? चलो मेरे सामने होंगी, मेरी ही याद आएगी, और किसकी याद आएगी? आपको किसकी आ रही थी? मुझे एक्चुअली सैफ की याद थी, सैफ की याद आ रही थी। सलमान, आपकी एक फिल्म, सलमान खान फिल्म्स की एक फिल्म बजरंगी भाईजान तो रिलीज हो रही है, आपने हाल ही में हीरो का पोस्टर भी आउट किया था, 4 सितंबर को फिल्म आ रही है, उसके साथ ही कैटरीना के फिल्म फैंटम भी आ रही है, और फिल्म के पोस्टर पे अपनी ही फिल्म है सर। ऑलराइट, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा ओके, वन लास्ट। सलमान, हाल ही में आपने कहा था कि आप अरेंज मैरिज के लिए भी ओपन हो, तो लड़की की कौन कौन सी क्वालिटीज आप देख रहे हो अगर अरेंज मैरिज के लिए? वो सब क्वालिटीज जो आप में हो नहीं होनी चाहिए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, वन लास्ट फोटो ऑप आई थिंक। लास्ट नहीं सर, क्योंकि अच्छा आपकी नहीं पट पाती है। I'm not getting the question. बड़ी बड़ी लड़कियों से नहीं पट पाती मतलब कितनी बड़ी? नाम लेके बात करो ना, नाम लो ना प्लीज। She's shying away from her own question. अरे नाम लो ना, ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। सलमान, यू सेड द लिटिल गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल एंड या लिपिका, तो हां, वन डे आई वांट एंड वन डे वेरी सून आई वांट, एंड इन फैक्ट नॉट दैट, लाइक मैं माँ हूँ आपकी। हाँ बस वही, माँ भी एक और चाहिए मुझे। हाँ दो हो गई हैं, तीसरी भी आ जाइए। नहीं नहीं, मेरा सवाल है लेकिन इसके लिए इसके लिए तस्वीर दीजिए। आई हैव टू आस्क माय फादर, आई कांट make
He knows me very well. I keep talking to him for my article. For my article. मेरा सवाल ये सलमान के जो रिएक्शन मिले हैं यहाँ पे, वैसा तो लगता है कि इस साल की ईद जो है वो सलमान खान के नाम होगी. लेकिन मेरा सवाल ये है कि पहले जो है सुहेल खान प्रोडक्शन, दूसरा अरबाज खान प्रोडक्शन, अब क्या ज़रूरत हो गई कि सलमान खान प्रोडक्शन खोलने की आपको? ये तो बताना पड़ेगा. बात तो सही है यार. एक अतुल का भी प्रोडक्शन है, सोहेल खान के बच्चे सोहेल खान के. टैक्सेस ज्यादा तो नहीं है. अरबाज खान के बच्चे अरबाज खान के. मेरे तो नहीं है, बेबी के बच्चे अतुल बेबी के. अबे तो यू आस्क्ड फॉर इट, यू वर सिटिंग डाउन. प्रोडक्शन प्रोडक्शन स्टार्ट किया है फिल्मों से, इसको चलने दो. awesome. उसके बाद वहां पर लाइन लगा देंगे इंशाल्लाह. विश यू ऑल द बेस्ट. विजुलाइज मत करना कोई.